हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज द नंबर You have to find the number and you don't know what is the number. So first of all, let the number be x. आपने कोई number ले लिया x. According to question, ATQ means according to question. If you subtract 1/2 from a number, this is number. And what he is saying, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result. Result means x minus 1/2 आपने लगाया. Number में से 1/2 subtract करा तो result यही हुआ. क्योंकि अभी आप x में से variable में से नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते फ्रैक्शन तो वी विल कंसीडर दिस रिजल्ट इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 आपने क्वेश्चन रीड करते जाने हैं अकॉर्डिंगली लिखते जाने मैं फिर कह रही हूं नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करा जो रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा देन यू विल गेट 1/8 व्हाट विल बी द नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगी ब्रैकेट सॉल्व करूंगी x 2 ले लिया एलसीएम इसका डिनोमिनेटर 1 कंसीडर कर लेंगे 2 इज द एलसीएम सो 2x माइनस 1/2 into 1/2 is equal to 1/8 अब 2 ये भी denominator में है ये भी denominator में है we can multiply so 2x minus 1 into 2 into 2 4 clear 2 into 2 4 अब ये दो term है this one and this one 4 doesn't mean कि separate है 4 आप इस पूरे के नीचे भी लिख सकते हो ऐसे क्योंकि bracket के outside है तो ये पूरे के नीचे भी 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 and 4 denominator है अब आपने क्या करना है आपको पता है कि अगर हमारे पास single term है और denominator में जो होता है जब हम transfer करते हैं यहाँ जब हमने denominator में जो भी था उसको transfer करा था तो दूसरी side जाके multiply हो जाएगा तो अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे 4 को 2x माइनस 1 एंड 1/8 इनटू 4 मल्टीप्लाई सो 4 और 8 कैंसिल हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे ये जो 1 है ये हमें नहीं चाहिए इसको हमें दूसरी साइड ट्रांसफर करना है मैंने कहा था पहले भी कि x के साथ जो है वो as it is रहने दिए पहले जो विदाउट वेरिएबल है उसको हम ट्रांसफर करेंगे सो 2x माइनस 1 उधर जाके 1/2 प्लस 1 हो जाएगा So 2x again LCM इसका denominator 1 ही consider होगा 2 So it will be 1 plus 2 2x is equal to 3/2 2 plus 1 3/2 अब हमें x find out करना है 2 यहां multiply में है Yes जब ये दूसरी side जाएगा So denominator में चला जाएगा Divide हो जाएगा So your answer will be 3/4. What will be answer? 3/4. You can check. यहाँ x की जगह 3/4 लिखिए. -1/2 into 1/2.
एलसीएम 4, 3 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 2. 3 माइनस 2 इज 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 8. 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 8, वट इज दिस? 1 अपॉन 8. आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड पे पहुंच गए, इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है. तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो. और स्टूडेंट्स इसको, कुछ स्टूडेंट कोई और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. मीन्स ये आपकी इक्वेशन बन गई. स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं, x माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट में जो एज इट इज, 2 अब यहां नीचे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जब जाएगा तो ऊपर चला जाएगा. ये 2 यहां ट्रांसफर हो गया, नीचे से ऊपर चला गया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई का मतलब पूरे का डिनोमिनेटर है. सो x माइनस 1 बाई 2 सॉल्व होके ये कैंसिल होके 1 अपॉन 4. अब ये जो माइनस 1 बाई 2 है इसको आप दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2. एलसीएम विल बी 4, सो इट इज 1 प्लस 2, आंसर इज अगेन 3 अपॉन 4. सो इट डजंट मैटर कि मैंने पहले उस मेथड से करा और इस मेथड से करा, वो सबका अपना एक वे है, तो कंफ्यूज नहीं होने हैं उसमें. क्लियर?